बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान के लिए आज तारीख साज दिन है। 18 साल बाद खून रेज जंग का खात्मा होने जा रहा है। अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे में चंद घंटे रह गए हैं। कतर के दारुलहुकूमत दोहा के मुकामी होटल में मुआहदे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि माइक पोम्पियो और शाह महमूद कुरैशी भी दोहा में मौजूद हैं। दुनिया भर के हुकूमती और आलमी मीडिया के नुमाइंदे मुआहदे के मुंतजर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के लिए आज तारीख साज दिन है, क्योंकि 18 साल बाद वहां पे खून रेज जंग का खात्मा होने जा रहा है। अमरीका और तालिबान के दरमियान अब मुआहदे में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और अमरीकी फौज का आज इनखला हो जाएगा, इसका मुआहदा किया जाएगा। कतर में ये कॉन्फ्रेंस होगी, कतर के दार हुकूमत दोहा के मुकामी होटल में इस मुआहदे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि माइक पोम्पियो भी वहां पे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त दोहा में मौजूद हैं, जबकि दुनिया भर के हुकूमती और आलमी मीडिया के नुमाइंदों को मुआहदे का इंतजार है। यकीनन आज दुनिया भर के लिए एक तारीख साज दिन है कि बरसों से जो एक जंग चल रही थी, खूनरेजी जो चल रही थी, उसको अब उसका खात्मा होने जा रहा है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा जो है कुछ ही घंटों बाद होने जा रहा है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मकामी होटल में मुआहिदे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। माइक पोम्पियो और शाह महमूद कुरैशी भी दोहा में ही मौजूद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं दोहा में मौजूद सीनियर सहाफी गुलाम मुस्तफ़ा से। गुलाम मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, मैं शेरेटन के उस हाल में मौजूद हूँ जहाँ पे आज एग्रीमेंट साइन होना है, अफगान पीस प्रोसेस का तारीखी एग्रीमेंट साइन होना है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पूरी दुनिया से 30 से ज़्यादा ममालिक से मंदुबीन यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। 250 से ज़्यादा मुबसरीन यहाँ पे इस हाल के बाहर बैठे हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया को। और इस पूरी प्रैक्टिस का जो सबसे अच्छी बात है, जो खुशी वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ है पीस प्रोसेस को बढ़ाने में। ये वो हाल है यहाँ पे। अभी 3:30 बजे मीटिंग होगी जिस पे लाह अमल तैयार होगा, एजेंडा तैयार होगा, और उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, अमेरिकन स्टेट मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो मुहदे की तफसीलात हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा, वहीं पर मौजूद हैं और आपने हमें तमाम तर जो इंतजाम भी मुकम्मल कर ली गए हैं और कितनी देर में ये तमाम तर सिलसिला जो है शुरू होगा उस हवाले से अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद में दोहा में मुलाकात हुई है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अब मुहदे की ताज़ा तरीन सूरत हाल से वज़ीर ख़ारजा को आगाह भी किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान इंटर अफगानिस्तान मुज़ाकरात की उम्मीद रखता है। अफगानिस्तान को तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत होगी। अफगानिस्तान में दायमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद में मुलाकात हुई है, दोहा में ये मुलाकात हुई। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की ताज़ा तरीन सूरत हाल से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान इंटर अफगानिस्तान मुज़ाकरात की उम्मीद रखता है। अफगानिस्तान को तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत होगी। अफगानिस्तान में दायमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इस मुलाकात की फुटेज भी आप देख सकते हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी में ये मुलाकात हुई है और शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुआहदे के बाद पाकिस्तान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की उम्मीद रखता है। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। बिल्कुल, देखिए आज दोहा में बड़े ही हाल जो है दस्तखत होने जा रहे हैं, मुआहदा होने जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा भी दोहा में मौजूद है और उनकी जो इस तमाम तर सूरत हाल में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी की उनसे मुलाकात हुई है और ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की ताज़ा तरीन सूरत हाल से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। और शाह महमूद कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि आज के अमन मुआहदे के बाद पाकिस्तान इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की उम्मीद रखता है और इसके बाद अफगानिस्तान को तामीर नौ और बहाली के लिए आलमी बरादरी की मदद की भी जरूरत होगी, जबकि
افغانستان میں دائمی امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا, کیونکہ جو یہ امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان نے عام کردار ادا کیا اور آئندہ بھی یہ افغانستان کی ترقی کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے زیشان, شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر فواد چوہدری نے افغانستان کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ٹویٹر پیغام میں فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ آج دوحہ میں ہونے والے معاہدے سے افغانستان میں نئے دور کا آغاز ہوگا. اس قدم سے امریکہ کی لمبی ترین خارجی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. اس تمام کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, جو پی ٹی آئی حکومت کے مین مقصد کے طور پر ہمیشہ افغانستان میں امن کے خواہاں رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, وفاقی وزیر فواد چوہدری نے افغانستان کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے. ریلوے ٹریک پر پھاٹک بنانا صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. مئی تک کراچی سے پشاور تک تمام پھاٹک ختم کر دیے جائیں گے. پانچ سال میں ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دیں گے وزیر ریلوے. شیخ رشید کا کہنا ہے میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, مریم نواز لندن نہیں جائیں گی. پنجاب حکومت میاں نواز شریف کے علاج پر سیاست نہیں کر رہی. کل وزیر اعظم عمران خان نے بلایا ہے, بریفنگ دوں گا. انہوں نے لاہور میں نیوز کانفرنس کی. ٹریفک کھل گئی ہے, ان مین جو مین جو کراسنگ ہے اس پہ صوبائی حکومتیں جو ہیں انہوں نے پھاٹک بنانے ہوتے ہیں, وہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ان پھاٹکوں کو مکمل کریں. اس وقت کوئی 3000 ان مین کراسنگ ہے پشاور سے کراچی کے درمیان. یہ سارے کراسنگ جو ہے جو مین بھی ہیں ان مین جو 3000 ہیں اور جو مین ہیں سارے ریلوے کراسنگ ختم ہو جائیں گے اور ریلوے ایک نئی ریلوے ہوگی اور اس میں اوور ہیڈ بنے گے یا انڈر وے بنے گے. کراچی سے لے کے پشاور تک تمام ریلوے کراسنگ ختم ہو جائے گی اور 8 کی سپیڈ ہوگی. وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے یہ نیوز کانفرنس کی لاہور میں, جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک پہ پھاٹک بنانا صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مئی تک کراچی سے پشاور تک تمام پھاٹک ختم کر دیں گے اور اس کے علاوہ پانچ سال میں ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دیں گے. میاں محمد نواز شریف کے صحت کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, اور مریم نواز کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ لندن نہیں جائیں گی. اور پنجاب حکومت میاں نواز شریف کے علاج پر کوئی سیاست نہیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے ان کو بلایا ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دیں گے. بالکل, آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے کہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ریلوے ٹریک پر پھاٹک بنانا صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. مئی تک کراچی سے پشاور تک تمام پھاٹک ختم کر دیے جائیں گے. پانچ سال میں ریلوے کو منافع بخش ادارہ بنا دیں گے. سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ میں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ رشید وزیر ریلوے ہیں, ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور تمام تر جو ذمہ داری ہے اس حادثے کی, ٹرین حادثے کی, وہ ان کی جانب سے ڈال دی گئی ہے صوبائی حکومت یعنی سندھ حکومت پر, اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر جو کام ہے پھاٹک بنانا یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ دیکھیے, یہ ریلوے کا نظام جب سے بنا ہے ریلوے پھاٹک ریلوے ہی آپریٹ کرتا ہے, ریلوے ہی بناتا ہے, اور اگر کوئی نئی سڑک بنتی ہے یا ریلوے لائن کراس کی جاتی ہے, بھلے وہ اس کے انڈر لائن سے کراس کرنا ہو, کوئی پائپ گزارنا ہو, کوئی بجلی کا تار گزارنا ہو, اس کا بھی این او سی لیا جاتا ہے محکمہ ریلوے سے. جو نئی سڑک بنتی ہے اس کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ محکمہ ریلوے اس صوبائی حکومت کو کہتا ہے کہ آپ پیسے جمع کرائیں تاکہ ہم اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ریلوے کی حدود ہے اس میں سڑک بھی ریلوے بناتا ہے, پھاٹک بھی ریلوے بناتا ہے, پھاٹک کے اوپر جو بندے کام کرتے ہیں وہ بھی ریلوے رکھتا ہے, اس کو مینج بھی ریلوے کرتا ہے. یہ صرف ان سے کنسٹرکشن کاسٹ پروونشل گورنمنٹ سے لی جاتی ہے, اور اس کے بغیر پروونشل گورنمنٹ نہ تو ریلوے کی جو ہوتی ہے نا ریلوے لائن سے لے کے بلڈنگ لائن تک, اس حدود کے اندر نہ تو وہ سڑک بنا سکتے ہیں, نہ پھاٹک بنا سکتے ہیں, نہ ریلوے لائن کے اندر کوئی کنکریٹ ورک کر سکتے ہیں. یہ تدریجاً غلط بات ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. اور اگر کوئی نئی سڑک ہو تو اس پہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا این او سی جو ہے اس کی درخواست ہوتی ہے, این او سی لینے سے پہلے وہ پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر ریلوے ہی سارا کام کرتا ہے. یہ بات بالکل تسلی بخش طریقے سے میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے قمر زمان خیرہ صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ریلوے کی جو پھاٹک ہوتی ہے اس پر تمام تر جو مینج اس کو کیا جا رہا ہوتا ہے
वो रेलवे के ही मुलाजमीन देखते हैं और वो रेलवे की यकीनन अंडर आते हैं, तो उसके बावजूद इनकी जानिब से कह दिया जाना कि ये सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद कर दी, और दूसरी जानिब उन्होंने एक अफसरदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर इतने लोगों की हलाकत हुई वहां पर वो कह रहे हैं कि मैं खुशखबरी सुना रहा हूं कि जो फाटक है उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां पर इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए? इस सवाल का जवाब शेख रशीद साहब खुद ज्यादा बेहतर देंगे कि उन्होंने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। ठीक है, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौकफ आ गया सामने। उनका यही कहना है कि तमाम तर जिम्मेदारी जो है वफाकी हुकूमत पर आती है ना कि सूबाई हुकूमत पर। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था और कहा गया था कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम तर ये जो फाटक का मामला है उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा जिसमें अभी तक 19 अफराद की जान चली गई, जिसकी तरदीद की गई है कमर जमान कायरा की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने आखिर क्यों सोशल मीडिया कवानीन पर अमल दरामद रोका? कवानीन का जायजा के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। नए कवानीन में कितने सिकम पाए गए इस रिपोर्ट में जानते हैं। इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना से पास करदा सोशल मीडिया कवानीन में 8 से जायद संगीन सिकम सामने आए। सोशल मीडिया आइन का आर्टिकल 10A, PTA एक्ट 1996 और इलेक्ट्रॉनिक जराइम रोकथाम एक्ट 2016 से मुतसादिम है। 24 न्यूज को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक PTA एक्ट 1996 और इलेक्ट्रॉनिक जराइम रोकथाम एक्ट 2016 में कानून साजी पर अमल दरामद की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। चेयरमैन खसूसी कमेटी सेनेटर कोहदा बाबर का कहना है कि नए रूल्स में ये इख्तियार नेशनल कोऑर्डिनेटर को देना क्या बुनियादी कानून से मुतसादिम नहीं? सेनेटर कोहदा बाबर का कहना है कि नए कानून में जुर्माने का इख्तियार PTA की बजाय नेशनल कोऑर्डिनेटर को देना बुनियादी कानून से मुतसादिम है। किसी मुलजिम को ना सुनना बुनियादी इंसानी हकूक और टेली कम्युनिकेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सोशल मीडिया रूल्स में सजा के खिलाफ अपील का फोरम हाई कोर्ट है, जबकि PTA एक्ट 1996 के मुताबिक ये फोरम ट्रिब्यूनल है। बताया जाए कि किस कानून के तहत एपलेट फोरम ट्रिब्यूनल के बजाय हाई कोर्ट करार दिया गया। सेनेटर कोहदा बाबर ने सवाल उठाया कि अगर सोशल मीडिया कंपनी का लाइसेंस ही नहीं तो PTA इसे कैसे रेगुलेट करेगा। नए सोशल मीडिया कवानीन में रूल्स बुनियादी कवानीन के दायरा कार से बाहर बनाए गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं 24 न्यूज एक बार फिर जेरा काब आ गया है। केबल ऑपरेटर्स पर 24 न्यूज की नशरियात बंद करने के लिए पेमरा की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। कई शहरों में 24 न्यूज की नशरियात ऑफ एयर कर दी गई हैं। 24 न्यूज के नाजरीन की जानिब से चैनल बंद किए जाने की शिकायत की जा रही है। सहाफी तंजीमों की जानिब से 24 न्यूज की नशरियात बंद किए जाने की शदीद मजम्मत की गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 न्यूज एक बार फिर जेरा काब आया है। केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद किया जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजिया का नसीम ज़हरा साहिबा। मैम, कैसे देखती हैं आप इस तमाम तर मामले को, क्योंकि हम 24 न्यूज़ की अगर बात की जाए तो हमेशा जो खबर होती है, जो असल खबर होती है, सही खबर वही चलाई जाती है, मगर उसके बावजूद अगर इस तरह से पाबंदियाँ जो हैं वो लगा दी जाएँ, आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, यही सवाल उठता है हमेशा जब इस तरह की पाबंदी लगती है कि हुकूमत को शिकायत क्या है। हम देख रहे हैं कि सुबह से और यानी कि जो जो खबर अहम खबर है, चाहे खबर का ताल्लुक, हेलो जी 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 जी, जी चाहे खबर का ताल्लुक अफगानिस्तान से हो, चाहे खबर का ताल्लुक कोरोना वायरस से हो, या शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, यानी कि एक एक खबर जो है वो दी जा रही है। और उसके अलावा तो यही कहा जा सकता है कि हुकूमत को शिकायत हो तो जरूर शिकायत का इजहार करें, बताएं, पैमरा क्वेश्चन रेज करें, लेकिन इस तरीके से बंद कर दी जाए और पता भी ना चले, आप सवाल उठाएं और आपके सवाल से कोई का जवाब ना मिले। और ये आप तो मालूम है कि ब्यूरो चीफ ने भी पूछा है, पैमरा के चीफ कह रहे हैं कि जी चेयरमैन कह रहे हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो फिर ये कौन सी पुरअसरार तरीके हैं, पुरअसरार कुवतें हैं या पुरअसरार वजूहात हैं जिसकी वजह से बंद किया जाए? खाले जो नाजरीन देखते हैं चैनल उनको नजर तो आते हैं हर खबर, यानी मैंने तो आपको आज की तमाम जो अहम खबरें हैं सुबह से जो पाकिस्तान के लिए अहम है वो सबकी सब जो चैनल है वो चला रहे हैं। हाँ जरूर, अगर कीमत बिजली की बढ़ी है तो क्या कई चैनल के नहीं बढ़ी कीमत? जब बड़ी है बिजली की तो बताना है जरूर,
प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं बस ये बढ़ेगी, बढ़ गई है और चैनल उसको पॉइंट आउट कर रहा है। अब पेट्रोल की कीमत को कम करने की बात हो रही है। हमारे चैनल पे, ये मैं आपको बताती हूँ, हमारे चैनल पे सबसे पहले 4 रोज पहले खबर हमने ब्रेक की थी कि पेट्रोल की कीमत कम होगी। हमारे टेलीविजन शो पर आई थी, इनकी पीटीआई की एक लीडर आई थी और उन्होंने कहा था और वो चलाया था। यानी कि मैं फिर कहूंगी कि हमने खबर देना हमारी जिम्मेदारी है, सही खबर देना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ साथ जब पॉलिसी के हवाले से सवाल उठेंगे वो भी उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे हटके कोई चीज गलत हो रही है, अगर वाकईतन कुछ ऐसी चीज है जो खबर की बजाय हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो बताएं। तो मेरा ख्याल है कि ये 15 ही के पास सवाल उठाना चाहिए और उसके बाद अगला तो फिर जो मरहला होता है वो अदालत का होता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि बताएं क्या मसला है उनको। ठीक है नसीम साहिर साहब, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज फारान साहब ने, सदर कराची प्रेस क्लब है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब आपके वक्त का। और 24 न्यूज़ की नशरियात काफ़ी शहरों में बंद कर दी गई हैं और पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि 24 न्यूज़ की नशरियात को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी बहन नसीम ज़हरा जो बात कर रही थी, मुझे उससे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि नसीम ज़हरा जैसी लेजेंड जर्नलिस्ट को इस तरह बातें करनी पड़ रही हैं। यानी आप कहाँ लेके जा रहे हैं सहाफत को कि नसीम ज़हरा साहब अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती, कोई सहाफी अपने दिल की बात नहीं कर सकता। आप यकीन करें कि पूरी दुनिया सुन रही होगी ना इस वक्त C24 को कि नसीम ज़हरा साहिबा ये बात कर रही है, अपने दुख का इजहार कर रही है। ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई जाके, जज्बाती बात नहीं है? आपको मैं एक बात बता दूं और ये बात FATF में आप जब निकलेंगे, आप ये बेनामी अकाउंट तो इस मरहले से निकलेंगे तो अगला फेस आपको करना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये आज आप रिकॉर्ड पे रख लीजिए क्योंकि ये मामला चल रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मामला चल रहा है। इम्तियाज फारान साहब सदर प्रेस क्लब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नसीम ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से इतना ही, आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HT।